उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर दीपा चौबे, आज मैं आपको UGZY 102, पिछले टर्न पे भी आपने देखा होगा, पिछला जो लेक्चर था उसमें भी UGZY 102 का ही लेक्चर मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट कंप्लीट किया है। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉक टू, देखिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ब्लॉक वन में आपका दो यूनिट है, यूनिट वन एंड टू, और ब्लॉक सेकेंड जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉक सेकेंड, उसमें आपकी 7 यूनिट है। तो हम एक एक आपको पहले ब्लॉक इंट्रोडक्शन में बता दे रहे हैं कौन कौन सी यूनिट है, उसके बारे में डिटेल आपको। देखिए इस ब्लॉक में आपका यूनिट 3, 4, 5, 6 और 7, इतनी यूनिट आपको पढ़ना है ब्लॉक टू में। तो यूनिट थ्री में आप देखेंगे कि जनरल करेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ द पोरीफेरा, नीडेरिया, प्लेटी हेलमेंथिस, एसके हेलमेंथिस, ये आप देखेंगे यूनिट थ्री में, ठीक है। इसी तरह से यूनिट फोर, अब यूनिट थ्री की अगर हम बात करें, हम आपको डिटेल एक एक चीज़ें बताते हुए चलेंगे कि जैसे पोरीफेरा, नीडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिस है, निमेटोडा है, तो इसका एक एक जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं सभी के। जैसे पोरीफेरा है, पोरीफेरा इज करेक्टराइज्ड बाय द कोनेकोसाइट सेल्स, पोरीफेरा में कोनेकोसाइट सेल्स प्रेजेंट होता है। हम आपको डिटेल अभी कोनेकोसाइट सेल्स क्या होते हैं, पिनेकोडर्म क्या होता है, पिनेकोसाइट्स क्या होते हैं, एक एक चीज़ आपको हम इसमें डिटेल बताएंगे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं नीडेरिया की, ठीक है, तो नीडेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें नीमेटोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो नीमेटोब्लास्ट क्या है ये हम आपको बताएंगे। तो आज के लेक्चर में हम आपको केवल पोरीफेरा एंड नीडेरिया कोशिश करेंगे कि ये दो टॉपिक कवर कर लें, और इसके बाद नेक्स्ट है जैसे टीनोफोरा में कॉम्प्लेट प्रेजेंट होती हैं, प्लेटी हेलमेंथिस का आप देखेंगे स्पेशलाइज्ड फीचर्स क्या होते हैं, फ्लेम सेल प्रेजेंट होता है। इसी तरह से जैसे नीमेटोडा है, नीमेटोडा सीडोसील प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से जब हम एक एक आपको फाइलम लेकर के चलेंगे तो उस फाइलम का पिक्यूलियर करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, कैसे इसको क्लासीफाई किया गया है और किस बेस पे क्लासीफाई किया गया है, ये हम आपको डिटेल बताएंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक क्लासिफिकेशन का एक कुछ ना कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है जिस बेस पे हम उसका नाम रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनिलीडा नाम क्यों रखा, मेटामेरिकली सेगमेंट्स, एनुलस मींस रिंग लाइक सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हर एक फाइलम का कुछ ना कुछ पिक्यूलर करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है जिसके बेस पे उसका नाम आइडेंटिफाई किया जाता है। इसी तरह से अगर यूनिट फोर की हम बात करें, ये तो हो गया यूनिट थर्ड, ठीक है। यूनिट फोर की बात करें तो यूनिट फोर में आप देखेंगे जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ द एनिलीडा, आर्थोपोडा, मोलस्का। अब एनिलीडा का आप देखिए, एनिलीडा में नेफ्रिडिया प्रेजेंट है। आर्थोपोड्स की अगर हम बात करते हैं, कंपाउंड आई है, ज्वाइंट स्लैग्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से मोलस्का की अगर हम बात करें तो इसकी जो शेल होती है वो कैसी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई शेल होती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिस बेस पे हम इसको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक जब हम फाइलम लेकर के चलेंगे, आज तो हम आपको पहले जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर सभी के एक साथ हम ब्लॉक इंट्रोडक्शन आपको बता दे रहे हैं। ब्लॉक में मतलब आपको सेकेंड ब्लॉक में कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है। इसके बाद अगर हम यूनिट फिफ्थ की बात करें तो यूनिट फिफ्थ में आपको, पांचवी यूनिट में आप देखेंगे लोकोमोशंस किसका देखेंगे कि आप देखेंगे सीलेंटेटा, प्लेटी हेलमिंथिस, निमेटोडा, एनिलीडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, एंडिकाइनोडर्मेटा, किस टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन केवल आप इसमें स्पंज और सीलेंटेट्स का ही पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट फिफ्थ में फीडिंग एंड डाइजेशन ऑफ स्पंज एंड सीलेंटेट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यूनिट सिक्स की, तो यूनिट सिक्स में आप देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम किस में, जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड नर्वस सिस्टम इन द प्लेटी हेलमिंथिस, एनिलीडा, आर्थोपोडा, मोलस्का। तो इनका आप पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम,
किसका किसका सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखना है, प्लैटी हेलमिथिस, एनिलीडा, आर्थोपोडा एंड मोलस्का। इसके साथ साथ आप इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ आप नर्वस सिस्टम की भी स्टडी करेंगे, ठीक है। यूनिट 7 की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 7 में आप देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह से होता है, जैसे बाय फिजन है, बाय बडिंग है, जेम्यूल फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, तो जब ये यूनिट बताएंगे तो उसमें पूरा डिटेल आपको इस पैटर्न पे आपको बताएंगे, ओवीपेरिटी क्या होता है, वीवीपेरिटी क्या होता है, ओवीपेरिटी क्या होता है, तो इस तरीके से आप डिटेल इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखिए आज जो टॉपिक मुझे लेना है उस टॉपिक के बारे में, अब हमने पूरे ब्लॉक को दो मॉड्यूल में डिवाइड किया है, ठीक है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ द पोरीफेरा, आज कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की, और दूसरा है इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द नीड एरिया, यानी पोरीफेरा नीड एरिया हमने मॉड्यूल 1 में किया है, और मॉड्यूल 2 जो नेक्स्ट हम लेक्चर में आपको आइडेंटिफाइड करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द टीनोफोरा, जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लैटी हेलमिंथिस, जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द नीमेटोडा। अब देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द पोरीफेरा, आप पोरीफेरा के बारे में अगर हम बात करें पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर ये तो आपके सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप देख लीजिएगा इसको। अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा की बॉडी कैसी होती है, जो इसमें सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ द एनिमल्स हैं, तो ये पूरी बॉडी इनकी कैसी होती, पोरस, पोर्स लाइक। आपने स्पंज देखा है, वैसे देखिए जो मार्केट में स्पंज मिलता है वो तो सिंथेटिक टाइप का स्पंज होते हैं, लेकिन उनकी भी अगर स्पंज को अगर सिंपल हम एक एग्जाम्पल के तौर पर कहें कि जो आपने स्पंज देखा है, सिंपल आपने जो स्पंज अगर लीजिए और इस स्पंज को पानी में डिप करते हैं, ठीक है, पानी में डिप करिए तो पूरे पोर्स से वो पूरा पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर उसको अगर हम हाथों से प्रेस करें तो पूरा पानी क्या होता है, बाहर की तरफ निकल आता है। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कैसा है, पोरस बॉडी, पोरीफेरा की बॉडी कैसी, पोरस बॉडी है, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलते हैं, पोरीफेरा कहाँ मिलते हैं, ज़्यादातर ये मैरिन होते हैं, मैरिन वाटर या फ्रेश वाटर दोनों कंडीशंस में ये मिलते हैं। इसके इसमें हम आपको डिटेल जो थोड़ा सा इसमें स्टडी आपको करके बताएंगे कि कैनाल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। कैनाल सिस्टम में आप देखेंगे कि कैनाल सिस्टम में किस तरह से वाटर एंटर करता है। बेसिकली इसमें होता क्या है पोरीफेरा में कि एक अलग अलग, भाई सबसे प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ द एनिमल्स आप पढ़ रहे हैं तो उसमें सिस्टम तो सारे डेवलप होंगे नहीं, सिस्टम कैसे डेवलप नहीं, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर एग्जांपल अगर हम कह दें डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इस टाइप का कोई भी सिस्टम पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। बॉडी का एक ही ऑर्गन है जो कि जनरल बॉडी सरफेस से, जो कि ऑर्गन तो नहीं कह सकते उसको, कि सारे सिस्टम को कंट्रोल करता थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। अब इसमें पोर से, पोर क्या होता है, पोरोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है, पोर से पानी अंदर की तरफ आता है। अब जैसे जैसे पानी अंदर की तरफ आएगा, एक सिंपल आप ऐसे एग्जांपल के तौर पे समझिए कि अगर पानी पोरोसाइट सेल्स से अंदर की तरफ आता है, अभी हम डायग्राम से उसमें आपको डिटेल बताते हैं कि पानी जब अंदर की तरफ आएगा तो उसके साथ ऑक्सीजन भी अंदर की तरफ आएंगे। अब ऑक्सीजन अंदर की तरफ आएंगे तो उसमें अंदर की तरफ जो लेयर होगी कोनोसाइट्स लेयर, बाहर की तरफ पिनाकोडर्म है, अंदर की तरफ कोनोडर्म, कोनोसाइट्स की लेयर प्रेजेंट है जो कि फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है। तो पानी के साथ साथ क्या होता है, ये फूड को कैप्चर करने का काम करती है, यानी उसके खाने का काम हो गया। अब वो जो इसमें फूड कैप्चरिंग का काम हुआ, फिर उसी वाटर के साथ में इनका क्या होता है, रेस्पिरेशंस का भी काम हो जाता है, इसी तरह से ये एक्सक्रीशंस का भी काम करते हैं। तो जनरल बॉडी सरफेस से ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं या कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ें अगर हम लेकर के चले, दूसरी चीज़ है कि हमने पिछले आपको लेक्चर में बताया था कि इसमें अगर देखें पोरीफेरा की हम बात करते हैं तो पोरीफेरा में क्या है, पोरीफेरा में टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, सेल है, सेल से सेलुलर, इसीलिए कहते हैं ना पोरीफेरा क्या, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोरीफेरा इज अ सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल मिल करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाया, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये हम आपको पिछले लेक्चर पर बता चुके हैं कि किस तरीके से सेल
टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो जो एडवांस एनिमल होते हैं उसमें पूरे सिस्टम डेवलप होते हैं, जैसे एनिलिड्स के बाद आप एनिलिडा से देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उसमें पहला सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो सारे सिस्टम धीरे धीरे एडवांस की तरफ हम जाएंगे तो सारे सिस्टम डेवलप होते जाते हैं। लेकिन ये सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ द एनिमल्स है इसलिए इसमें पूरे सिस्टम डेवलप नहीं होते हैं। तो एक एक करके देखिए कि ये किस तरह से होते हैं। एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक के साथ साथ ये या तो कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं, सबस्ट्रेटम प्रेजेंट होते हैं, बॉडी शेप है सिलेंड्रिकल है, ट्यूबुलर है, ब्रांच टाइप है। तो इस तरीके से आप देखिए इसके डिफरेंट टाइप्स के जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए हुए हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी हमने आपको बताया कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर ग्रेड होता है, ये लिखा हुआ सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज है कि इसमें जो लेयर पाई जाती है, किस टाइप की लेयर होती है कि डर्मल एपिथीलियम जो कि पिनेकोडर्म कहलाती है, और दूसरा अंदर की तरफ कोनोडर्म लेयर प्रेजेंट होती है। इसके नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो पानी जो इसमें इंटर करता है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है जिससे वाटर इंटर करते, छोटे छोटे पोर्स होते, पोर्स से पानी, पोरोसाइट सेल से पानी अंदर की तरफ आता है। फ्लैजिलेटेड सेल्स जो होते हैं, कोनोसाइट सेल्स, इनके फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। तो एक एक अगर हम इसकी बात करें, डाइजेशन किस तरह से होता है, डाइजेशन ऑकर्स इन द इंट्रा सेलुलर मैनर इन द फूड वैक्यूल्स विद इन कोनोसाइट्स। स्केलेटन किस तरीके से होता है, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस ऑकर्स थ्रू आउटर एंड इनर लाइनिंग सेल्स। नर्वस सिस्टम है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाय बडिंग के द्वारा। बॉडी किस तरह से, बाइसेक्सुअल प्रोड्यूसिंग बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन क्रॉस एंड इंटरनल, क्लीवेज होलोब्लास्टिक। तो ये इसका जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो कि आप इसमें देखेंगे, ठीक है। अब इसके अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करें तो पोरीफेरा को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है, फाइलम पोरीफेरा को तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, कैलकेरिया, हेक्सिनेरिया एंड डीमोस्पंजिया। अब इसमें कैलकेरिया, इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, हम एक एक ऑर्डर के बारे में डिटेल आपको नहीं बता रहे हैं, एक एक एग्जांपल के साथ में हम आपको इसको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं कि कैलकेरिया क्या है, हेक्सिनेरिया क्या है, डीमोस्पंजिया में कौन से एनिमल्स आते हैं, और उसी एनिमल्स के बेस पे ये पूरा आप इसको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट जैसे कैलकेरिया, कैलकेरिया में आपको क्या दिख रहा है, एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। हेक्सिनेरिया में देखिए एंडोस्केलेटन ऑफ द सिलिएसियस स्पिक्यूल्स। तो इसमें एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म हो गई कि दो तरीके के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, पोरीफेरा में दो तरीके के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, एक स्पिक्यूल्स होता है कैलकेरियस स्पिक्यूल्स और दूसरा होता है सिलिसियस स्पिक्यूल्स। तो जो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स है कैल्शियम कार्बोनेट्स का बना होगा, सिलिसियस स्पिक्यूल्स जो होगा वो सिलिका का बना होता है। तो ये दो चीजें इससे कंफर्म होती हैं। और तीसरा अगर हम डीमोस्पंजिया में देखें तो एंडोस्केलेटन जो होता है वो स्पॉन्जिन फाइबर का या सिलिसियस स्पिक्यूल्स का बना होता है। कुछ ऐसे होंगे जिसमें कि स्पॉन्जिन फाइबर का होगा और कुछ में सिलिसियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कैलकेरिया की बात करें अगर हम तो कैनाल सिस्टम एस्कोनाइट, साइकोनाइट और लिकोनाइट टाइप का, तीन तरीके का होता है। और हेक्सिनेरिया की अगर बात करें तो कैनाल सिस्टम इसमें सिंपल होता है, और डीमोस्पंजिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कैनाल सिस्टम लिकोनाइट टाइप का होता है, यानी कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें कैलकेरिया, ये मैराइन होते हैं, और हेक्सिनेरिया देखें ये भी मैराइन होते हैं, और डीमोस्पंजिया को देखें तो मोस्टली मैराइन सम फाउंड इन द फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं और कुछ मैराइन होते हैं। एग्जांपल देखें, अगर एग्जांपल की बात हम करें तो कैलकेरिया ल्यूकोसोलोनिया स्काइफा, ये कैलकेरिया के एग्जांपल हो गए। हेक्सिनेरिया में यू प्लेक्टिला, जनरली ये आप प्रैक्टिकल में भी देखते होंगे, इसके स्पॉट्स रखे रहते हैं यू प्लेक्टिला के। और डीमोस्पंजिया की बात करें तो यू स्पंजिया इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए एक डायग्राम है, ये इस तरीके से होते हैं कैलकेरिया में। ऊपर की तरफ देखिए ऑस्कुलम प्रेजेंट होता है, अपर साइड पे क्या है, पूरी बॉडी कैसी है इसकी, पूरी बॉडी पोरस बॉडी पाई जाती है, ऊपर की तरफ ऑस्कुलम प्रेजेंट है।
डर्मल ऑस्ट्रियम छोटे छोटे अंदर की तरह जो पोर्स लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाते हैं, डर्मल ऑस्ट्रिया। बॉडी कैसे दिख रही है आपको, सिलेंड्रिकल बॉडी दिख रही है, बॉडी किस फॉर्म में दिख रही है, सिलेंड्रिकल बॉडी। और बाहर की तरफ छोटे छोटे से ये देखिए स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से ये स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सब स्ट्रेटम से लगे हुए होते हैं, सेसाइल फॉर्म में है, ये नीचे की तरफ बेस है। तो अगर हम देखें, अगर हम इसी डायग्राम में अगर बात करते हैं तो ये पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, छोटे छोटे से जो पोर्स हैं। अब पानी कैसे एंटर करता है, एक ही सिस्टम है जहाँ से पानी पोर्स से एंटर किया और उसी रास्ते से ऊपर की तरफ से होता हुआ ऑस्कुलम से बाहर की तरफ आ जाता है। तो इसी तरह इसमें क्या होता है कि हमेशा फ्रेश वाटर एंटर करता रहता है और जिससे कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर प्रॉपर जाती रहती है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन कैसे होता है, देखिए एक ये डायग्राम है आपका एस्कोनाइट साइकोनाइट एंड ल्यूकोनाइट टाइप का। एस्कोनाइट टाइप अभी हम जैसे आपको कैल्केरिया हेक्सनेरिया डिमोस्पंजिया में बता रहे थे ना कि तीन तरीके से जो क्लासिफाई किया गया, तो उसमें एक में एस्कोनाइट टाइप साइकोनाइट टाइप एंड ल्यूकोनाइट टाइप कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें डर्मल पोर्स बहुत सारे पाए जाते हैं, ल्यूकोनाइट टाइप एडवांस फॉर्म है, साइकोनाइट टाइप ये एस्कोनाइट टाइप से एडवांस फॉर्म डर्मल पोर है, छोटे छोटे से इसमें पोर्स ज़्यादा है। इसमें देखिए सिंपल टाइप, इसमें डर्मल पोर बिल्कुल सिंपल टाइप है, तो यहाँ से वाटर इंटर करता है, इंटर करके और ऑस्कुलम से होता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है। तो बीच में ये कैविटी क्या कहलाती है, बीच की कैविटी आप देखिए तीनों कैविटी में अंतर है, जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट होता गया बीच में ये जो स्पंजोसील कैविटी है, इस कैविटी को क्या कहते हैं, स्पंजोसील कैविटी। तो ये स्पंजोसील कैविटी देखिए इसमें कितनी है, इसमें सबसे ज़्यादा स्पंजोसील कैविटी, उससे कम स्पंजोसील कैविटी, यानी डर्मल पोर ने उस एरिया को कवर किया और धीरे धीरे इसमें नैरो स्पंजोसील कैविटी फॉर्म हो जाती है। किस टाइप में, ल्यूकोनाइट टाइप में। नेक्स्ट ये देखिए डायग्राम, कोनोडर्म क्या है, पिनाकोडर्म क्या है। अब तो हम आपको बता रहे थे कि कितने तरह की सेल्स पोरीफेरा में प्रेजेंट होती है, तो एक तो आपको हमने बताया कि कोनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। देखिए ये हाफ डायग्राम है, अगर देखा जाए तो इस तरीके से दूसरे साइड का डायग्राम ये इस तरीके से अगर हम देखें डायग्राम, तो हाफ इधर है, हाफ पोर्शन इधर है, तो अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट हो गई, फ्लैजिलेटेड सेल्स। ठीक है, तो कोनोसाइट सेल्स किस टाइप की होती है, फ्लैजिलेटेड फॉर्म में होती है। भाई फ्लैजिलेटेड फॉर्म में होती तभी तो क्या होता है कि फूड को कैप्चर करती है, जो पानी से के साथ में जो फूड एंटर करता है तो वो क्या होता है कि पानी के साथ में जैसे फूड एंटर किया ये फ्लैजिलेटेड सेल उसको कैप्चर कर लेती है। ठीक है, तो कितने तरह की इसमें सेल्स हो गई, कोनोसाइट सेल्स जो कि फ्लैजिलेटेड सेल्स है, स्क्लेरोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है, पिनेकोसाइट सेल्स बाहर की तरफ, हाँ ये देखिए पोरोसाइट सेल्स प्रेजेंट है। इस पोरोसाइट सेल से पानी अंदर की तरफ एंटर करता है, यानी पिनाकोसाइट्स के बीच में दो ये पिनाकोसाइट्स की लेयर है, नीचे की तरफ पिनाकोसाइट्स की लेयर है, पिनाकोसाइट्स की लेयर के बीच में पोरोसाइट सेल प्रेजेंट होती है जहां से वाटर क्या होता है एंटर करता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डायरेक्शन ऑफ करंट, पानी इसके साथ में एंटर करता है, इसके साथ में फूड भी एंटर करेगा, खाना इंटर जो भी इसके साथ फूड इंटर करेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो कि ये फ्लैजिला इसको कैप्चर करेगा और कैप्चर करके क्या करेगा, इनके न्यूट्रिशंस को कंप्लीट करता है। इसके साथ साथ इसमें अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए होते हैं कि जितना भी मेसेनकाइम सेल्स होते हैं, ठीक है, मेसोगिलिया में ही ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, अमीबोसाइट सेल्स है, ऊसाइट सेल्स है, पिनेकोसाइट सेल्स है, जितनी भी सेल्स हैं ये किस में प्रेजेंट होती है, मेसोहाइलिया मेसोगिलिया में प्रेजेंट होती है, मेसोहाइल कहलाता है। और ये पूरे जो कंप्लीट यानी पिनेकोसाइट्स और पोरोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स और पोरोसाइट्स मिलकर के क्या बनाती हैं, डर्म लेयर यानी पिनेकोडर्म बनाती है। ठीक है, और अंदर की तरफ कौन सी लेयर प्रेजेंट है, कोनोसाइट्स की लेयर प्रेजेंट होती है। अब देखिए इसमें कोनोसाइट्स का किस तरीके से ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है कि इसमें आप देखिए फ्लैजिला दिख रहा है आपको, लंबा सा फ्लैजिलम दिख रहा है। फ्लैजिलम क्या करता है, जैसे ये कॉलर सेल्स हैं, कॉलर सेल्स में
क्या चीज प्रेजेंट होता है? देखिए कॉलर सेल्स क्या कर रहा है, फूड को आप इस तरीके से समझिए कि जो फ्लैजिलम है, फ्लैजिलम ये फूड को कैप्चर करके इस तरीके से अंदर लाता है कोनोसाइट सेल्स में, और पीछे की तरफ इसमें अमीबोसाइट्स सेल्स प्रेजेंट होती है। तो अगर हम देखें, हमने आपको बताया कि पिनाकोडर्म ये पोरोसाइट्स एंड पिनाकोसाइट सेल्स से, पिनाकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स ये मिलकर के क्या बनाती हैं, पिनाकोडर्म की लेयर बनाती हैं। और दूसरी चीज हमने, तो एक चीज तो पहला ये याद कर लीजिए, और दूसरा हमने एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताया कि कैलकेरियस स्पिक्यूल्स और सिलेशियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसका एंडोस्केलेटन का काम करते हैं। एंडोस्केलेटन बेसिकली क्या है, इसका एंडोस्केलेटन कैलकेरियस एंड सिलिशियस स्पिक्यूल्स, दो तरीके के इसमें स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ साथ स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट होता है। एफ स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है। तो इतनी चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए अगर हम नेक्स्ट आते हैं, ये एक डायग्राम में है, यू प्लैक्टिला का बना हुआ है, यू स्पॉन्जिया, पूरी बॉडी देखिए इसमें पोरस बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, वाटर को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं ये। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द नीडेरिया। नीडेरिया का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, इसमें फ्रेश वाटर होते हैं या फिर ये मैराइन वाटर होते हैं, दोनों तरीके से प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर होंगे या फिर मैराइन वाटर होंगे। अटैच टू द सबस्ट्रेटम या सेसाइल फॉर्म में होते हैं। बॉडी शेप सिलेंड्रिकल, ट्यूबुलर और ब्रांच। बॉडी शो रेडियल और बाई रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री हमने आपको बताया था कि रेडियल सिमेट्री, पिछले टर्न पे हमने आपको रेडियल सिमेट्री के बारे में बताया था कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है। देखिए रेडियल सिमेट्री बेसिकली किस किस फाइलम में प्रेजेंट होती है, फाइलम अगर हम देखें निडेरिया, और निडेरिया के साथ साथ हम कौन सा दूसरा फाइलम, एक हमने आपको पिछले बार एग्जांपल बताया था इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में भी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और रेडियल सिमेट्री के बारे में हमने डिटेल आपको बता दिया है, पिछले आप लेक्चर देखिएगा, पिछले लेक्चर में डिटेल स्टडी सिमेट्री के बारे में, लॉन्गिट्यूडिनल है, रेडियल है, बाई रेडियल है, लेटरल है, सारी सिमेट्री के बारे में अलग से एक लेक्चर हुआ है, उसको आप डिटेल इसमें देख लीजिएगा। अगर हम इसमें देखें कि बॉडी कैसा है, इसमें भाई पोरीफेरा में किस टाइप का था, पोरीफेरा सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। देखिए ये बेसिक डिफरेंस है, आपसे क्वेश्चंस अगर किया जा सकता है, आप लोग पढ़ते होंगे जैसे SLMB जो आपके पास जाता है, SAQ, छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चंस दिए रहते हैं कि पोरीफेरा में किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। इसी के साथ साथ अगर हम पूछें कि सिलेंट्रेटा में या निडेरिया में किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो एक चीज हमने आपको शुरू में ही बता दिया है कि सेल टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है, तो सेलुलर ग्रेड सबसे प्रिमिटिव में यानी पोरीफेरा में होता है, और सेल से बना टिश्यू, तो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है, वो होता है निडेरिया में, इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये किस टाइप के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इसमें आउटर लेयर एपिडर्मिस, इनर लेयर गैस्ट्रोडर्मिस की होती है, और दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, मीजोगिलिया प्रेजेंट होता है। और एक चीज और देखिए इसमें, अगर हम देखें 7 नंबर पे देखिएगा, लाइफ साइकिल के बारे में लिखा हुआ है
कि दो तरह के टू काइंड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं? पहला पॉलिप होता है. पॉलिप कैसा होता है? सेसाइल फॉर्म होता है. और दूसरा फॉर्म होता है इसका मेड्यूसा. मेड्यूसा कैसे होते हैं? फ्री स्विमिंग होते हैं. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इससे क्वेश्चन होता है कि पॉलिप किस टाइप का होता है और मेड्यूसा, मेड्यूसा और पॉलिप में क्या डिफरेंसेस होता है. एक क्वेश्चन ये हमेशा पूछा जाता है कि पॉलिप और मेड्यूसा में क्या अंतर होता है. पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? पॉलीमॉर्फिज्म कंडीशन. डाइमॉर्फिज्म क्या होती है? पॉलीमॉर्फिज्म और डाइमॉर्फिज्म में क्या अंतर होता है? तो इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको कि ध्यान से आप देखिएगा. अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस में इसमें क्या प्रेजेंट होता है? स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि जिसको क्या कहते हैं? नीमेटोब्लास्ट, विच इज द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फाइलम. नीमेटोब्लास्ट प्रेजेंट होता है. हमने शुरू में भी बताया है आपको नीमेटोब्लास्ट. देखिए टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं. आपको ये चीज़ पता है ना, हाइड्रा का अगर एग्जाम्पल लेकर के देखें तो हाइड्रा आपने देखा होगा कि हाइड्रा में छोटे छोटे टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं. उस टेंटेकल्स में एक स्पेशलाइज्ड करेक्टर यानी बाहर की तरफ पूरी एपिडर्मिस में एक स्पेशलाइज्ड करेक्टर प्रेजेंट है. स्टिंगिंग करेक्टर्स है जिसको कि नीमेटोब्लास्ट कहते हैं. और ये क्या करता है? ऑफेंस और डिफेंस का काम करता है यानी फूड कैप्चरिंग का काम करता है. जहाँ इसने खाना देखा, जहाँ इसने छोटे से इंसेक्ट्स को देखे, किसी उसमें जहाँ अपना इसने फूड पार्टिकल्स देखा, वहाँ पे ये क्या करते हैं? पॉइजन्स वहाँ पे छोड़ते हैं. और पॉइजन्स की वजह से क्या होगा? वो पूरी तरह से डेड हो गए. और डेड होने के बाद वो टेंटेकल्स की हेल्प से अपना फूड को कैप्चर कर लेते हैं. ठीक है, तो इसका ये स्पेशलाइज्ड करेक्टर है. इसको भी करेक्टरिस्टिक फीचर्स है नीमेटोब्लास्ट, जिसको कि आपको ध्यान रखना है. फिर अगर हम सिंगल इंटरनल कैविटीज की बात करें, जिसको कहते हैं सीलेंट्रॉन कैविटी, ये भी इसका पिक्यूलर करेक्टर्स है सीलेंट्रॉन कैविटी का. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसमें डाइजेशन किस तरीके का होता है, तो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और एज वेल एज इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप के डाइजेशन होते हैं. मस्कुलर सिस्टम देखें लॉन्गिट्यूडिनल है, सर्कुलर है. नर्वस सिस्टम की बात करें तो टू सेपरेट्स नर्व नेट बाईपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट है. सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. रेस्पिरेशंस एंड एक्सक्रीशंस ऑफ द नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस ऑकर्स थ्रू द आउटर एंड इनर लाइनिंग सेल्स. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग और द बाय फिजन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स थ्रू द ओवा और स्पर्म. ठीक है, द इंडिविजुअल मे बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल. लाइफ साइकिल प्रोसेस थ्रू द फ्री स्विमिंग ब्लास्टुला लार्वा. एबिलिटी टू रीजेनरेशन यानी रीजेनरेशन की भी कंडीशन इसमें देखी जाती है. तो ये इसका जनरल करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हो गया. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो निडेरिया को तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है. हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथ्रोजोआ. हाइड्रोजोआ किस टाइप के होते हैं? फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर. स्काइफोजोआ मैराइन एंड एंथ्रोजोआ मैराइन होते हैं. कॉलोनियल होते हैं और सॉलिटरी होते हैं. हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ सॉलिटरी होते हैं और एंथ्रोजोआ दोनों कंडीशंस पाई जाती है. लाइफ साइकिल में पॉलिप होते हैं और या फिर दोनों होते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा दोनों प्रेजेंट होते हैं. और स्काइफोजोआ की अगर बात करें तो इसमें मेड्यूसा इस प्रोमिनेंट होते हैं और पॉलिप रिड्यूस्ड और एब्सेंट फॉर्म में होती है. एंथ्रोजोआ की बात करें तो एंथ्रोजोआ में पॉलिप प्रेजेंट होता है, मेड्यूसा एब्सेंट होती है. थोड़ा सा आप ये चीज समझ लीजिए, इसी चलिए इसको हम पहले कंप्लीट कर देते हैं. अगर हम देखें कि मीजोगिलिया नॉन सेलुलर प्रेजेंट होता है हाइड्रोजोआ में. स्काइफोजोआ में मीजोगिलिया विद सेल और फाइबर्स प्रेजेंट होता है, ये भी इसका करेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर्स है. और एंथ्रोजोआ में हम देखें मीजोगिलिया सेलुलर प्रेजेंट होते हैं, सेलुलर मीजोगिलिया प्रेजेंट होती है, ये भी इसका स्पेशलाइज्ड करेक्टर है. इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा. मिसेंट्रीज एब्सेंट होती है हाइड्रोजोआ में, मिसेंट्रीज एब्सेंट होती है स्काइफोजोआ में, और मिसेंट्रीज प्रेजेंट होती है एंथ्रोजोआ. एंथ्रोजोआ बेसिकली क्या है? सेसाइल फॉर्म है. स्काइफोजोआ क्या है? स्विमिंग मतलब इसमें जैसे ऑरेलिया, इसका एग्जांपल स्काइफोजोआ का क्या है? ऑरेलिया है, या इसका दूसरा नाम है जेलीफिश, जो कि स्विमिंग फॉर्म में होते हैं, स्विम करते रहते हैं. और एंथ्रोजोआ क्या है? सेसाइल फॉर्म में होता है. तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमने जैसे बताया पॉलिप और
प्रेजेंट होते हैं। तो पॉलिप और मेडूसा को थोड़ा सा इस तरीके से समझ लीजिए। पॉलिप एंड मेड्यूसा, तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गया ना कि ये सेसाइल फॉर्म में होते हैं और ये क्या होते हैं, स्विंग करते रहते हैं। दोनों में डिफरेंसेस हमेशा पूछा जाता है कि पॉलिप और मेड्यूसा में क्या अंतर है। डाइमॉर्फिक फॉर्म क्या होता है? डाइमॉर्फिक फॉर्म ये होता है कि जिसमें दोनों फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, पॉलिप भी प्रेजेंट होता है और मेड्यूसा भी प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज ये समझ लीजिए आप, गैस्ट्रोजॉइड्स, गोनोजॉइड्स, और डक्टेलोजॉइड्स, क्या होते हैं? ठीक है, जिसमें ये तीनों फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, यानी गैस्ट्रोजॉइड्स भी होता है, गोनोजॉइड्स भी होता है और डेक्टेलोजॉइड्स भी होते हैं, ये होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। क्या होते हैं? जिसमें कि गैस्ट्रोजॉइड्स, गोनोजॉइड्स और डेक्टेलोजॉइड्स तीनों तरह के जॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए गैस्ट्रोजॉइड्स का क्या काम होता है? गोनोजॉइड्स रिप्रोडक्टिव, डक्टेलोजॉइड्स फॉर डिफेंसिव। ठीक है, तो ये तीनों के अलग अलग फंक्शंस हैं कि इसको गैस्ट्रोजॉइड्स हो गया फीडिंग टाइप, हो गया फॉर फीडिंग टाइप, गोनोजॉइड्स फॉर रिप्रोडक्टिव टाइप, और डक्टेलोजॉइड्स क्या होगा? फॉर द डिफेंसिव टाइप। ये तीनों फॉर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कॉलोनी को शो करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये वेलिला एक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें कि ये देखिए ये गैस्ट्रोजॉइड्स है, ये गोनोजॉइड्स है, ये रिप्रोडक्टिव फॉर्म है, ये कौन सा है? न्यूट्रिटिव फॉर्म है, सॉरी रिप्रोडक्टिव फॉर्म, न्यूट्रिटरी फॉर्म है, और ये फॉर डिफेंस के लिए, ये छोटे छोटे से ये लगे हुए फॉर द डिफेंसिव, तीनों तरह के जॉइंट्स ये वेलिला में प्रेजेंट है। इसी तरह से ये ऑरेलिया, ऑरेलिया का एग्जांपल है, ऑरेलिया में देखिए रेडियल कैनाल्स है, गोनेट्स है, एक्स्ट्रा अम्ब्रेलर सर्फेस है, मार्जिनल टेंटेकल्स है, ये टेंटेकल्स फॉर्म में है इसके, ओरल आर्म्स प्रेजेंट होती है, मार्जिनल लैपेट्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे जैसे छाता दिखाई देता है ना, छतरी की तरह का, उस तरीके का ये स्ट्रक्चर ऑरेलिया का है। ये है आपका फेविया। तो इस तरीके से आपको पोरीफेरा और निडेरिया दोनों का जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन बताया। पोरीफेरा में हमने आपको बताया कैल्केरिया, हेक्सटिनेरिया एंड डीमोस्पंजिया, तीनों के हमने आपको एग्जांपल बताया, किस बेस पे आइडेंटिफाइड किया गया ये बताया। इसी तरह से निडेरिया में आपको हमने इसका क्लासिफिकेशन बताया, इसमें आपको किस तरीके से आइडेंटिफाइड किया गया है ये। तो दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है? सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है, डिप्लोब्लास्टिक कौन सा एनिमल से डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, कौन सी लेयर एब्सेंट होती है, कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, पिनेकोडर्म क्या है, पिनेकोसाइट्स क्या है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से देख लीजिएगा पॉलीफॉर्म क्या है, मेडूसा फॉर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स क्या होते हैं, फॉर फीडिंग के लिए कौन सा जॉइंट्स यूज़ होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें डिटेल स्टडी करनी है। थैंक यू।